भारत में लोगों का गंगा नदी से जीवन से मृत्यु तक गहरा नाता है। गंगा नदी के जल की विशेषताओं के कारण ही इसका सांस्कृतिक व आध्यात्मिक महत्व है। देश की कुल आबादी के लगभग 40% लोग इस पर निर्भर हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो गंगा भारत के लोगों की जीवन रेखा है। विश्व की सबसे पवित्र नदी मानी जाने वाली गंगा आज अत्यधिक प्रदूषण की मार झेल रही है और यह विश्व की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक बन गई है। भारत सरकार ने गंगा नदी के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसे राष्ट्रीय संपदा मानते हुए राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया है और नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस पहल के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के सहयोग से पर्यावरण शिक्षण केंद्र द्वारा स्कूलों व समुदाय के साथ गंगा बेसिन में गंगा व उसमें पाई जाने वाली जैव विविधता को बचाने के लिए एक संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गंगा में पाए जाने वाले जीवों में गांगे डॉल्फिन, जिसे सोंस भी कहते हैं, का महत्व उसी प्रकार है जैसे जंगल में बाघ का। सोंस का गंगा में दिखना उसके स्वस्थ होने का सूचक है। बच्चों को यदि इस अनूठे जीव और उसके घर गंगा पर मंडराते खतरों व उन्हें नदियों को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया जाए तो वे स्वयं कार्य करने के साथ साथ समाज में एक संदेश वाहक बन जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन ने स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से गांगे डॉल्फिन संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम को गंगा बेसिन के 20 स्थानों पर चलाया गया जिसमें नदी के किनारे के लगभग 750 स्कूल जुड़े और इन स्कूलों ने डॉल्फिन क्लब के द्वारा जागरूकता का प्रचार प्रसार किया। सोंस के बारे में बच्चों को आसानी से समझाने के लिए पुस्तक, पोस्टर, बैज, स्टिकर आदि शिक्षण संसाधन प्रदान किए गए। बच्चों ने विभिन्न गतिविधियों के द्वारा सोंस के बारे में जाना और उस पर मंडराते खतरों के बारे में समुदाय के लोगों को भी बताया। नदी किनारे के 3 से 5 किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित 30 से 35 विद्यालयों का एक क्लस्टर बनाया गया जिसमें से एक स्कूल को संसाधन केंद्र की भूमिका दी गई। इस केंद्र से अन्य स्कूल किताबें, बैनर, पानी, परीक्षण किट और फिल्में आदि सामग्री को आवश्यकता अनुसार लेकर वापस कर सकते थे। यह एक बहुत ही अनूठी पहल है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से हमें बहुत ही रोचक तरीके पता चले जिसके माध्यम से खेल खेल में ही हम बच्चों को डॉल्फिन के विषय में, नदियों के महत्व, उनके संरक्षण के विषय में जागरूक कर सकते हैं। बच्चों को ये लगा हम अपनी प्रकृति, अपने पर्यावरण हम अपने लिए सुरक्षित रखते हैं, अपने पानी को बचा सकते हैं और अपने घर वालों को उन्होंने बताया। बहुत उत्साह के साथ हर कार्यक्रम में, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे स्थान भी लिए गए जहां डॉल्फिन अब नहीं मिलती हैं और वहां के स्कूली बच्चों को राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्कूलों में डॉल्फिन संरक्षण शिक्षा के साथ ही इस परियोजना में गंगा बेसिन के 2 जिलों में 10 ग्राम पंचायतों को भी चुना गया जिनमें नदी के किनारे स्थित ग्रामीण समुदाय जो किसी न किसी रूप में नदी पर निर्भर हैं के साथ भी कार्य किया गया। ये गंगा की सहायक नदी घाघरा व गंडक नदी के किनारे बसे बहराइच व बेतिया जिले के गांव थे। परियोजना के दौरान विभिन्न हितधारकों जैसे मछुआरा समुदाय, किसान, पशुपालक और व्यापारी वर्ग आदि की पहचान की गई। नदी पर निर्भर समुदायों को शामिल करते हुए सोंस संरक्षण समिति का गठन किया गया।
समिति की सहायता से उपलब्ध संसाधनों का आकलन करके वहां के अनुरूप समुदाय आधारित आवश्यक कार्य योजना तैयार करने के साथ साथ इनको डॉल्फिन के बारे में जागरूक किया गया। हमारे गांव में सोच संरक्षण समिति का एक गठन किया गया है, जिसमें जो भी जानकारियां आती है हम सभी जो मछुआरे उन लोगों को बैठा करके और उन लोगों के बीच में ये बातें रखते हैं कि ऐसे ऐसे हम लोग को काम करना है जिससे हम लोग का अच्छा से अच्छा किसानी का काम हो सके। जैसे मान लीजिए जो लोग मछली मारते थे, आज के डेट में वो लोग जैविक कृषि खेती कर रहे हैं, तो अब तो वो लोग मछली नहीं मारते हैं, तो जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं वो सब बच रही है। प्रत्येक परियोजना गांव से युवा स्वयं सेवकों को इस परियोजना में शामिल किया गया। उन्हें नदी के आसपास होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने व उनके गांव को टिकाऊ विकास के मार्ग को अपनाने के लिए प्रशिक्षित भी किया गया। परियोजना गांवों में मुख्य मुद्दे थे मछली पकड़ने में महीन जालों का प्रयोग, कृषि में अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग, पॉलीथीन का उपयोग व खुले में शौच तथा साफ सफाई की कमी आदि, जिससे नदी तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। इन गांवों में हर साल बाढ़ के कारण होने वाली कटान एक बड़ी समस्या थी, जिससे यहां गरीबी, अशिक्षा, खराब स्वास्थ्य व कमाई के साधनों की कमी के कारण लोगों का पलायन भी हो रहा था। इसी दिशा में लोगों में जागरूकता के प्रचार प्रसार के साथ साथ वैकल्पिक उपायों को अपनाने के लिए चर्चा की गई। लोगों को नए कौशल व तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता थी, जिसके लिए पर्यावरण शिक्षण केंद्र की टीम ने विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र, ग्रामीण बैंकों व शोध संस्थानों आदि के सहयोग से किया। किसानों और मछुआरों को प्रशिक्षण के साथ जैविक खेती व जैविक कीटनाशक बनाने व उनके प्रयोग का प्रदर्शन भी किया गया। हमने जो पंचगव्य को बनाए और अपने फसलों पर तैयार किए करके छीटे हैं, उसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। इस पर हम लोग का भरोसा भी हो गया है। एक दो आदमी करके दिए हैं, उनका भी रिजल्ट हमारे पास मिल गया कि हाँ बहुत बढ़िया ये काम कर रहा है। और इस एस सी वालों के लिए बहुत धन्यवाद है, उन्होंने कम खर्चे में हमको ये दवा बताए और हम लोग अच्छे तरह से इसका फल उठा रहे हैं। अच्छे बीजों की सहायता से सब्जी व नदी तट पर होने वाली फसलों को भी प्रोत्साहित किया गया। इससे उनकी आय तो बढ़ी ही और साथ में उन्हें स्वयं के उपयोग के लिए फल व सब्जियां भी मिली। आय के अन्य विकल्पों को प्रदर्शित करने के लिए केला, खरबूजा, ककड़ी, कृषि वानिकी, मुर्गी पालन आदि की शुरुआत की गई। के पहले मछली मारते नहीं ऐसा ठीक हुआ मछली मारते नहीं ऐसा तो अजीत बाबू भेटी ले तो कहें काम मछली मारता रहे सब्जी के खेती कर ले तो हमने के मछली माल छोड़ के सोच के बचाव के चलते हमने के सब्जी के खेती लगनी सन करे तो वहाँ से हमने के बीया मिलल तो हमने के खेती लगनी सन तो खेती से फायदा हो गया हमने के आ छोटी छोटी मछलिया के सोच से फायदा बा जे साफ पानी बा सोच जियता। समुदाय के लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए धुआं रहित चूल्हा, सोलर लालटेन, व्यक्तिगत व सामुदायिक शौचालय व कूड़ेदान आदि प्रदर्शित किए गए। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एवं पर्यावरण शिक्षण केंद्र की ये परियोजना इस बात को सिद्ध करती है कि संरक्षण शिक्षा के द्वारा लंबे समय का बदलाव लाया जा सकता है। डॉल्फिन जो हम लोगों से हम सबको कहना चाह रही है, उन कल्पनाओं को, उन भावों को मैंने आवाज़ दी है। मैं मित्र पर्यावरण की एक संरक्षक कड़ी जल व धरा की, शीर्ष पर नदी खाद्य श्रृंखला के सहयोगी आपके भरण पोषण के, मैं संतुलन की साक्षी भी, स्वजीवन रक्षा की आकांक्षी भी। इसलिए मेरा संरक्षण आपका संकल्प हो और इस संकल्प का न कोई विकल्प हो, क्योंकि याद रहे हमारी रक्षा पर्यावरण की सुरक्षा। गंगा में सोच सुरक्षित तो होगी गंगा भी संरक्षित। आइए इस महान कार्य में हम भी अपना सहयोग दें। सुनी डॉल्फिन के कहानी, जलवा हमनी के जिंदगानी, ज्यादा कुछ ना भोजन छोटकी मछलिया,
पर लोग भीड़ल कहाँ जाई है डॉल्फिन, ज्यादा कुछ ना भोजन छोटकी मछलिया, ओहू पर लोग भीड़ल कहाँ जाई है डॉल्फिन, कोयला से होई स्वच्छ नदिया के पानी, सुनी डॉल्फिन के कहानी, जल हमनी के बा जिंदगानी, सुनी डॉल्फिन के कहानी, जल बा हमनी के